फिरोजाबाद सिरसागंज पुलिस ने केमिकल से बनी नकली देशी शराब एवं शराब बनाने वाले 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ में तमाम खाली क्वार्टर, गत्ते एवं तैयार जहरीली शराब की बरामद। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा किया पंजीकृत। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब का व्यापार कर रहे शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज पुलिस ने क्षेत्राधिकारी सिरसागंज डॉक्टर ईरज राजा के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर व एसआई मोहर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर मैं पुलिस फोर्स के करहल रोड सिरसागंज पर दबिश देकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 23 पेटी बनी शराब व 5800 खाली क्वार्टर तथा 150 लीटर बनी अवैध देशी शराब व अन्य शराब बनाने में उपयोग होने वाले सामान बरामद किए। पुलिस ने गिरफ्तार किए अभियुक्तों हरेंद्र सिंह, आकाश कुमार, अमित कुमार, अतेंद्र एवं सतीश चंद्र निवासी गढ़ थाना बरनाहल जिला मैनपुरी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सिरसागंज की जो पुलिस है, एसएचओ सुनील कुमार तोमर, निरीक्षक मोहर सिंह, अंकित मलिक, इनको मुखबिर की सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर करहल रोड पर सिरसागंज में एक रेड मारी गई। इस रेड में काफी बड़े स्तर पर शराब बनाने का लोकल स्तर पर काम चल रहा था, तो उसका वो फैक्ट्री हमको यहाँ पर मिली और यहाँ पर काफी संख्या में हमको सामान मिला है। जहरीली शराब के लगभग 1104 क्वार्टर मिले हैं, कुल 23 पेटी। खाली क्वार्टर मिले हैं, खाली बोतलें 5800, ढक्कन लगभग 7000 और इसके अलावा अलग अलग पैकिंग का मटेरियल। एक ड्रम में जिसमें 150 लीटर शराब, देसी शराब तैयार थी, वो मिला है। 200 गत्ते मिले हैं जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे अन्य सामान, टब, गैस वगैरह, ये सब सामान मिले हैं जिससे कि ये शराब बनाने का कार्य करते थे। तो काफी अच्छी सिरसागंज पुलिस की सफलता है ये। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, ये 5 ही थाना बरनाहल जिला मैनपुरी निवासी, और बहुत ही अच्छी ये कार्रवाई थी। इसमें सभी फोर्स ने बहुत अच्छे से दबिश मार के इनको पकड़ा और लगातार जो सिरसागंज ने पूरे अभियान के दौरान भी और लगातार भी काफी अच्छी कार्रवाई लगातार की है शराब माफियाओं के ऊपर, और आप भी इस तरह की कार्रवाई अपने क्षेत्र में करते हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक सबसे पहले।